फ्रेंड्स, आज मैं ज़बरदस्त तीन रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तीनों ही लाजवाब है, डिलीशियस है और बहुत ही चटपटा है। आप इसे बच्चे को टिफ़िन में दे सकते हैं, शाम में चाय के साथ स्नैक्स के लिए ट्राई कर सकते हैं और इफ्तार में भी इसे बना सकते हैं। एक है एग चॉप, दूसरा है ब्रेड चॉप, यानी अंडे को पकौड़े भी कहते हैं, और ब्रेड चॉप तो ये है, और साथ में है कीमे का ज़बरदस्त समोसा। हरी चटनी के साथ सर्व करें, केचप के साथ या फिर चाय के साथ। तो सबसे पहले बनाऊंगी समोसा, उसके लिए मैंने तो चलिए समोसा के लिए आटा रेडी करूंगी। तो मैंने लिया है बिल्कुल थोड़ा सा मैदा और ज़्यादा आटा, उसमें डालूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और रिफाइन ऑयल 5-6 चम्मच, या आटा ज़्यादा है तो आधी कटोरी रिफाइन ऑयल बिल्कुल डालना है। तो इसी से खस्ता हमारा जो है आटा रेडी होगा। बहुत अच्छे से नमक और ऑयल को आटे में मिक्स कर लेना है। मैंने थोड़ा मैदा लिया है, वैसे सिर्फ आटे का भी बहुत ही अच्छा खस्ता बनता है। अब इसे जो हमें गूंदना है ना, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी देकर गूंदना है। पानी बहुत ही हिसाब से दें, क्योंकि बहुत गीला नहीं हमें रेडी करना है। देखें बिल्कुल टाइट हमने रेडी किया था। 10-20 मिनट के लिए आटा गूंद कर रेस्ट के लिए मैंने रखा था, उससे बहुत परफेक्ट होता है। फिर मिक्स करके लोया बना लें, गोला बना लें और उसे बेलें और इस समोसा मेकर में डालकर रेडी करेंगे सारे समोसे को। इसमें जो कीमा है वो आप चिकन का लें या फिर मटन का लें। साथ में मैंने कैबेज यानी बंद गोभी बारीक कट करके डाला है, जब कीमा रेडी हो गया तब। और मटर डालूंगी, प्याज बहुत ढेर सारा डालूंगी, हरी मिर्च बारीक कट करके, धनिया की पत्ती डालूंगी और आप चाहें तो फ्रेंच बीन भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। तो थोड़ी जो सब्ज़ी है ना वो क्रंची है, आप देख सकते हैं। यानी कीमा जब हमारा रेडी हो जाएगा, कीमा में सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट है, मिर्च पाउडर है और नमक है बस, और बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का ऑयल में मैंने कीमा रेडी किया है और उसी में मैंने थोड़ा सा सोते किया है सब्ज़ी के साथ। सब्ज़ी क्रंची होगा तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम लोग फ्राई करेंगे तो ऑलरेडी जो अंदर मैंने कुछ सब्ज़ी डाली है वो कुक हो जाती है, क्रंची हो जाती है, हर बाइट में उसका टेस्ट आता है। तो यहाँ समोसा मेकर में मैंने समोसा रेडी कर लिया है, सारा मैंने बेल लिया है। देखें बिल्कुल परफेक्ट आटा ज़रा भी मेरे हाथों में नहीं सट रहा है, क्योंकि जब आटा आपका बिल्कुल टाइट और अच्छे से गूंदा होगा खस्ता देकर, रिफाइंड देकर, तो ही वो क्रंची समोसा रेडी होगा। जो एक्स्ट्रा ये आटा निकला है समोसा मेकर के साइड से, उसे भी लास्ट में मैं समोसा बनाऊंगी। अब सरसों के तेल में ही हमें सारा जो तीनों रेसिपी है बनाना है, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हम लोग हाई फ्लेम में पहले तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे, गरम होने के बाद फिर मीडियम कर लेंगे। मीडियम में ही हमें फ्राई करना है, ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए, क्रंची हो जाए, और ना ही हमें लो रखना है ना ही हाई, और बिल्कुल देखें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे पकाना है। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो बिल्कुल क्रंची हो जाएगा। फिर हमें एक्स्ट्रा ऑयल हटाने के लिए टिश्यू पेपर यानी एब्जॉर्बिंग पेपर में हमें इसे निकालना है। तो हमारा समोसा सारा रेडी हो चुका है, गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। पहले से नहीं बनाना है, सर्व करने टाइम ही बनाएं, चाय के साथ चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस होता है। अब क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स है तो हेल्दी भी हो जाएगा और बहुत ही हर बाइट में ना कभी कैबेज, कभी प्याज, कभी मिर्च, कभी शिमला मिर्च भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। मैं हर चीज़ में ना शिमला मिर्च ज़रूर डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमारा समोसा गर्मा गर्म रेडी है, देखिए कितना ज़बरदस्त इसका फाइनल लुक आया है। मैं इसे तो गाइज हमारा नेक्स्ट रेसिपी है अंडा चॉप यानी एग चॉप। तो मैंने अंडे को बॉयल कर लिया है, साथ में अलग से मैंने आलू बॉयल किया है, मैश किया है। आलू में सिर्फ नमक और पाउडर मिर्च बस, और ये बेसन का बैटर मैंने रेडी किया है। और अंडे को आप दो भाग में भी काट सकते हैं या तीन भी कर सकते हैं इस तरह से। और जो आलू मैंने रेडी किया है नमक और मिर्च के साथ, उसे डाल ऊपर रखूंगी अंडे के ऊपर। जो हमारा बेसन है उसमें सिर्फ है अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और बिल्कुल ज़रा सा सोडा मैंने डाला है।
हमारा बैटर ना ही बहुत पतला है ना ही बहुत गाढ़ा है, परफेक्ट है। साथ में मैं बनाऊंगी बैंगनी, तो मैंने वीडियो नहीं ले पाई। बैंगनी तो बिल्कुल सिंपल है, उसी बेसन में डिप करना है और फिर फ्राई करना है ऑयल में। तो खैर, अंडा जो है, सारे अंडे में मैंने आलू का जो मैंने बनाया है वो रख दूंगी, और उसके बाद इस तरह से डिप करना है बेसन में और फिर फ्राई करना है। तो सारे अंडे में आलू रेडी करके आप रख लें। साथ में मैं बना रही हूँ थोड़े से दाल के पकौड़े, जिसमें शिमला मिर्च डालूंगी ज़रूर, और प्याज, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती वगैरह। तो ये हमारा अंडा चॉप सारा इस तरह रेडी मैंने कर लिया है। अब उसे गरम गरम तेल में हमें डालकर फ्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त एक चॉप रेडी होता है, गर्मा गर्म सर्व करें। अब हमारा थर्ड रेसिपी जो है ये ब्रेड से रेडी होगा। तो मैंने आटा ब्रेड लिया है, आप मैदा ब्रेड भी ले सकते हैं, और मैंने बीच से काट लिया, आप बिल्कुल बाद में भी आप काट सकते हैं। तो मैंने एक ब्रेड को दो बना लिया है। इसमें मैंने डाला शिमला मिर्च, प्याज, वही आलू जो मैंने अंडे के लिए रेडी किया था ना, वही मैश किए हुए आलू में नमक और मिर्च के साथ रेडी है। बेसन भी हमारा वही है, बहुत ज़्यादा बेसन बनाना है क्योंकि एक ब्रेड चॉप में बेसन ज़्यादा लगता है। तो बैटर ज़्यादा रेडी करें, और उसके बाद जो हमारा ब्रेड है उसमें मैंने शिमला मिर्च, प्याज, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, और आप चाहें तो थोड़ा पनीर भी मैश करके डाल सकते हैं, और ज़रूर से मूंगफली डालें। रोस्टेड मूंगफली होगा, हल्का सा आप दरदरा ही रखें बड़ा बड़ा, ताकि हर बाइट में कभी शिमला मिर्च कभी मूंगफली इस तरह से आता है। तो ब्रेड के बीचों बीच मैंने आलू का जो बैटर है वो रख दिया है। हाथों से ऊपर से ब्रेड रखने के बाद प्रेस कर दूँगी ताकि वो थोड़ा सा पकड़ ले, टाइट हो जाए, बंध जाए। और फिर उसके बाद मैं बेसन में डालूंगी हमारा जो ब्रेड चॉप रेडी है आलू के बैटर के साथ, और बहुत अच्छे से इसे कवर करना है। इस बात का ख्याल रखना है, अगर आप अच्छे से सब तरफ से कवर नहीं करेंगे तो ऑयल जो है फ्राई करने के टाइम बहुत ज़्यादा ब्रेड के अंदर चला जाता है, इसलिए अच्छे से ढक दें। और बैटर बहुत ज़्यादा इसमें लगता है क्योंकि अच्छे से हमें कवर करना है, ब्रेड जो है वो एब्जॉर्ब करता है बेसन को, तो बेसन का बैटर ज़्यादा बनाएं। अब सरसों के तेल को यानी मस्टर्ड ऑयल को हम लोग अच्छे से गरम कर लेंगे। बिल्कुल जब अच्छे से गरम होगा तभी हम इसमें अपना ब्रेड को डालेंगे, क्योंकि अगर ऑयल गरम नहीं होगा तो सारा जो तेल है वो बहुत ज़ोर से ब्रेड अंदर खींच लेता है। जब आप ऑयल गरम होगा तो अंदर ऑयल ज़्यादा नहीं खींचता, गर्मा गर्म होता है तो उसमें अच्छे से वो फ्राई होने लगता है, फिर अंदर तेल ज़्यादा नहीं जाता है। तो फिर अब अच्छे से देखें हमारा जो ब्रेड है वो कवर हो चुका है हमारे बेसन के बैटर में। अब इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करेंगे। याद रहे कि फ्लेम ना ही हाई हो ना ही लो हो, मीडियम हो। जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगा तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल हटाने के लिए टिश्यू पेपर में निकालेंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो हट जाए। और एक बंदे के लिए एक ब्रेड चॉप काफ़ी है। आप चाहें तो टेस्टी लग रहा है तो कभी दो भी खा सकते हैं। तो मैं इसे बीच से कट करके दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा क्रंची ब्रेड चॉप रेडी है। अंदर से कभी मूँगफली, कभी प्याज, कभी शिमला मिर्च का जो टेस्ट है बहुत यम्मी होता है, बहुत ही क्रंची। आप थोड़ा खीरा गाजर काट लें ताकि हेल्दी भी हो जाए। और यहाँ मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है, बहुत ही क्रंची है। गर्मा गर्म सर्व कीजिए। देखें हर बाइट में इस तरह मूंगफली, कभी शिमला मिर्च, कभी प्याज, कभी धनिया पत्ती, हरी मिर्च का फ्लेवर आएगा। आप इसे केचप के साथ सर्व करें, हरी चटनी के साथ, चाय के साथ, इवनिंग स्नैक्स में बहुत ज़्यादा सबको पसंद आएगा। बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं और इफ्तार में आप बना सकते हैं। तो तीनों रेसिपी बहुत ही डिलीशियस चटपटा है गाइस। आपको वैसे तीनों रेसिपी में कौन रेसिपी अच्छी लगी, आपका टेस्ट, आपको किस तरह का टेस्ट तीनों में अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आई होप आपने ज़रूर आज की रेसिपी को एंजॉय की होगी। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। इसी के साथ